महिलाओं को अपने झांसे में फंसाता था तांत्रिक और करता था ठगी। नई दिल्ली से गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। बलिया पुलिस ने तांत्रिक ठग बाबा को किया गिरफ्तार। ठगी के 3,50,000 रुपए के गहने तथा 3,000 नगद पैसे की हुई बरामदगी। महिलाओं को पूजा पाठ कराने को लेकर झांसे में फंसाता था तांत्रिक ठग। दिनांक 11 अप्रैल 2021 को पूजा दुबे पत्नी प्रेमनाथ जैमिनी निवासी बलिया से पूजा पाठ कराने के नाम पर बाबा द्वारा 53,000 रुपए एवं 16 थान गहने कीमत लगभग 3,50,000 रुपए लेकर फरार हो गए, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर कथित ढोंगी बाबा के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संकलन के आधार पर यह पता चला, बाबा महावीर शर्मा पुत्र गजानन शर्मा जिला राजस्थान के सीकर प्रांत निवासी गोटही दायलान थाना रिगस बलिया में किराए के मकान में रहता है। बाबा को पुलिस और एसओजी टीम ने 415 पॉकेट नंबर पश्चिम पूरी थाना पंजाबी बाग जनपद वेस्ट नई दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिसके पास से मुकदमे से संबंधित महिला का आभूषण व 3,000 रुपए नकद बरामद हुआ। आरोपी को ट्रांजिस्ट रिमांड पर दिल्ली से पुलिस टीम द्वारा बलिया लाया गया, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। बलिया से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आरोपी या किस तरह के काम में थाना पंजाबी बाग जनपद वेस्ट दिल्ली के रहने वाले महावीर शर्मा, ये यहाँ बलिया शहर में जो है ये किराए का मकान लेके ये रहते हैं और इनके द्वारा ये बताया गया कि ज्योतिष का काम करते हैं। इनके द्वारा पूजा पाठ के नाम पर दिनांक 11 अप्रैल 2021 को एक घर से इनके द्वारा 53,000 रुपया और 16 थान गहने, जिनकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपया थी, उसको झांसा देकर पूजा पाठ के नाम पर उसको ले लिया था। इस संबंध में थाना कोतवाली बलिया पर मुकदमा पंजीकृत था और अभियुक्त की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। पतारसी सुरागरसी के बाद ये जानकारी हुई कि अभियुक्त इस समय दिल्ली में है, जिस पर कोतवाली बलिया और एसओजी बलिया की टीम यहाँ से गई है और वहाँ पर अभियुक्त महावीर शर्मा को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से जो मंगलसूत्र और मांगटीका, हार, कान की झाली, अंगूठी आदि सब बरामद किया गया है और इनका ट्रांजिट रिमांड बनवाकर इनको जनपद बलिया लाया गया है। यहाँ पर इनको कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है।